तो रेत नहीं रखा था मतलब सबके घर में तो एक तो सिलेंडर रहा ही होगा एक यूज रहेगा और एक भरा रहता था नमस्कार वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वली। अब मैं कल जैसे कि मैंने दिखाया था कि सीता नगर वार्ड नंबर 2 में जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर हम फिर से यहाँ पर पहुँचे हैं और अब उनसे बात करते हैं अभी उनका स्थिति क्या है और कैसा चल रहा है। और कल से जो है जैसे कि मैंने कहा था जब वो घर से निकलते हैं वो एक भी सामान जो है बाहर लेकर नहीं निकलते हैं, पहने हुए कपड़े के साथ भाग कर निकलते हैं और उनके पास कुछ नहीं था। तो कल से अभी तक गुजारा कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे रह रहे हैं उन लोग, ये सारे बातें उनसे जानते हैं। रहने का व्यवस्था क्या किया गया, आप लोग कहाँ रह रहे हैं? ऐसा कोई व्यवस्था करे नहीं है, वहाँ से बोले थे पंचायत हॉल देंगे तो अभी इसके बाद बोले थे कि पंचायत हॉल में रहने के लिए हम लोग कुछ दिन के बाद यहाँ पे अलॉटमेंट करेंगे, जो एचएस का क्वार्टर है जो उसको देंगे। हम लोग कुछ दिन हम लोग यहाँ में एडजस्ट कर लेंगे, हम एक दूसरे के साथ सो रह लेंगे, आस पड़ोस वहाँ रह लेंगे और खाना पीना का प्रोवाइड किया, सारा राशन पानी सब वहाँ पे दिया है, हम लोग वहाँ बना के सब मिल के खाते हैं वहाँ पे एक जगह। हाँ तो अभी तक अभी भैया अभी तक आए नहीं है हमारे प्रधान भैया, तो शाम को आएंगे फिर बात होगा आगे क्या। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन से आए थे लोग मिलने के लिए? हाँ कोई कोई आए थे पर हम पहचानते नहीं है कौन कौन है। क्यों आप लोग से आके मिले नहीं, ऐसे आए थे या उनसे इसी अधिकारी जो भी है? इसी सर आए थे जब आग लगा था तब हम लोग बात नहीं कर पाए उनसे, वो आके देख के चले गए उसके बाद और आए नहीं अभी तक। अभी तक आके आप लोग से कोई मिला नहीं है? नहीं आए कुछ भी नहीं दिया कि हम आपके साथ है। तहसीलदार ऑफिस तरफ से आए थे सर लोग यहाँ पे आके लिख के गए कि इनका कौन सा सामान गया है करके लिखा है यहाँ पे सब। ये 6 परिवार 7 परिवार है, 7 परिवार से सबसे लिखित पे लेके गए हैं यहाँ पे से। और आज बुलाए थे ऑफिस समेत पंचायत पे बुलाए थे, वहाँ पे हमारा आधार कार्ड और राशन कार्ड का जीरोक्स लिए हैं वहाँ से। और कई लोगों को तो सारा डॉक्यूमेंट जल गया तो आधार कार्ड वो जिनका जल गया है उनका पैन कार्ड लिए हैं और जिनके पास जो है हाँ जो जो है उनको लेके वहाँ दिए हैं और कल वहाँ जमा करेंगे ऑफिस पे जाके करके बोले हैं। तो शाम को प्रधान भैया आएंगे फिर यहाँ बात करेंगे, बस इतना ही पता है अभी आगे का पता नहीं। बाकी सारे जैसे कपड़े वगैरह जो भी है कपड़ा वो, कुछ वो उनका हेल्प मिल रहा है आप लोगों को? कपड़ा कुछ कुछ दिए हैं सबको, कुछ कुछ दिए हैं कपड़ा, सिंगरम सर भी दिए हैं और बहुत सारे लोग आगे दिए हैं पर कौन कौन दिए हैं हमें पता नहीं है। हेल्प आ रहा है बाहर से तो कैसे चल रहा है अभी आप लोगों का? कैसे चल रहा है खाना पीना तो पंचायत या कोई भी जो आते हैं जैसे कि अभी एसटीएस का वाले लोग आके दिए खाने पीने के लिए। खाने पीने का तकलीफ नहीं है, बस रहने का तकलीफ है, अभी घर कब बनाएगा वो सबको कुछ हुआ ही नहीं, बातचीत हुई नहीं जी। अभी इसको उसका घर में भी रहते हैं ये सब। अच्छा। सिचुएशन है अभी तक कहाँ कहाँ से हेल्प आया कुछ आया? फल तो अभी कहीं से नहीं आया, बस खाने का सुविधा मिला है। अच्छा। रहने का कुछ सुविधा नहीं मिला, रहने का बोलने से अभी बस। अच्छा तो मेन इशू अभी जो है इनका रहने का ही इशू है, इनका कहना है कि कहीं से खाने का भी अरेंजमेंट हो रहा है, इनका कपड़ों का भी अरेंजमेंट हो रहा है। और इनका एक भी शिकायत ये भी था कि कहीं अधिकारी जो है आते हैं यहाँ पे लेकिन इनसे जो है मुलाकात नहीं करते हैं, जो भी परिवार है उनसे उनको शिकायत की आके सिर्फ इतना कह दे हमसे कि हम आपके साथ हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कई सारे अधिकारी आते और इनसे मिलते भी नहीं, वो भी उनका कहना है। बाकी जो जो लोग जो हेल्प कर रहे हैं उनको तो मैं वी न्यूज़ को और से धन्यवाद भी कहूँगी। और बाकी अभी देख सकते हो पूरा घर इनका जो है जल चुका है, अभी मेन रहने का इशू जो है उसमें भी कंपोजिशन के लिए भी जो मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से जल्द इनको इनके लिए किया जाए और इनको दिया जाए, यही हमारा तरफ से मांग है। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।